हाय फ्रेंड्स, आज जो रेसिपी हम बनाने जा रहे हैं वो है शाही पोहा। पोहा एक बहुत ही न्यूट्रिशियस रेसिपी है और ये बहुत ही इजी भी है एंड इट्स सो हेल्थी। तो चलिए अब इससे शुरू करते हैं, जिसके लिए मैंने 2 कप मैंने पोहा लिया है। 2 chopped onions, 1/4 cup रोस्टेड काजू, 1/4 cup किशमिश, थोड़ी से करी पत्ता, 2 tablespoons हरा धनिया, 1 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच हल्दी, 3 हरी मिर्च चॉप्ड, 1 lemon juice, 2 tablespoons ऑयल, थोड़ी सी 1/4 teaspoon राई। सबसे पहले एक पैन के अंदर हम ऑयल डाल लेंगे और जब वो गर्म हो जाएगा उसके अंदर राई डाल देंगे। जैसे ही राई तिड़कने लगे उसमें करी पत्ता डाल दीजिए, हरी मिर्च, प्याज। अब इनको थोड़ा थोड़ा हल्का भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना है इनको, क्योंकि इसमें थोड़ा क्रंच रहना चाहिए। हम थोड़ा सा प्याज निकाल के रख लेंगे, उसे गार्निश में यूज़ करेंगे। जब तक वो हमारा हो रहा है हम लोग पोहा धोकर छान कर उसको इस तरह से, देखिए ये कैसे अब ये गीला हो चुका है, इसको हमने धोया अच्छी तरह से, खुले पानी में धो के छान लिया है। इसके बीच में हम हल्दी और नमक डाल के इसको मिक्स करेंगे। पहले इसे नीचे मिक्स करने का एक फ़ायदा ये है कि ये चिपकेगा नहीं ज़्यादा, ज़्यादा तेल भी इस्तेमाल नहीं होगा। तो इसमें नमक, हमने नींबू का रस भी डाल देना है, अभी काजू और किशमिश भी मिक्स कर देंगे। कुछ काजू हम रख लेंगे और ऐसे ही कुछ किशमिश हम रख लेंगे। अब इसे एक तरफ रख दीजिए। अब हम वापस अपने तड़के की तरफ चलेंगे। अब इसमें हमने वो जो पोहा मिक्स किया था उसे डाल देना है। अब हमने इसे बहुत ही हल्के हाथों से, ताकि ये ज़्यादा टूटे नहीं, मिक्स करना है और इसे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें धनिया डाल देंगे, थोड़ा सा धनिया हम गार्निश के लिए रखेंगे। अब ये देखिए अच्छी तरह से मिल गया और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। ये जो नमक है वो आप अपने स्वादानुसार डाल सकते हैं। अगर आपको लगे कि ये नमक कम है तो आप थोड़ा सा ज़्यादा डाल सकते हैं, और इसी तरह से नींबू भी आप और डाल सकते हैं। अब इसमें हम वो जो थोड़ा सा कच्चा प्याज रखा था उसे मिक्स कर देंगे। इसका सिर्फ ये फ़ायदा है कि इसमें बहुत ही अच्छा क्रंच आएगा। अब इसे मिक्स करके दैट्स इट, अब ये हमारा तैयार है पोहा। अब इसे हम सर्व करेंगे। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा वो जो काजू और किशमिश हमारे पास थे वो डाल के गार्निश कर लेंगे, और थोड़ा सा धनिया जो था वो भी ऊपर डाल देंगे। काजू जो है पहले थोड़े से हमने उनको भून लिया था, और फिर उसके ऊपर हम सेव डालेंगे। सेव से क्या है कि एक तो इसमें जो क्रंच आएगा और थोड़ा सा टेस्ट इसका अच्छा हो जाएगा। इसे आप किसी भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको न्यू रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल बी बैक विद द न्यू रेसिपी। हैप्पी कुकिंग।